नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम उजाले के मुसाहिब जो कहानी है, जो पाठ्यक्रम में शामिल है, एक लंबी कहानी है। हम इस कहानी को बहुत ही सारगर्भित तरीके से जो है यहाँ पर देखेंगे। इसके कहानीकार जो है वो विजयदान देता है, बिजी उपनाम से जो है ये जाने जाते हैं। इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, केवल कहानी को सारगर्भित रूप से देखेंगे और प्रश्न भी जो कहानी शामिल है उसी से संबंधित आने की ज़्यादा संभावना रहती है। इस कहानी में होता यह है कि एक चकवा एक लंबी रात बिताने के लिए, एक चकवा मूर्ख राजा की कहानी चकवी को सुनाता है। रात बहुत लंबी है इसलिए चलो आपको एक मूर्ख राजा की कहानी जो है वो सुनाते हैं। कहानी में राजा को बुद्धि का सागर कहा गया है। ध्यान में रखने की बातें ये कि कहानी में राजा को बुद्धि का सागर बताया गया है। कहानी में अंधेरे को नरक की अमिट कालिमा बताया है, नरक की अमिट कालिमा बताया है। मुसाहिब का अर्थ राजा का सहायक या परामर्शदाता जो है वो होता है, उजाले के मुसाहिब। कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और अंधेरा अज्ञानता का प्रतीक है। यानी उजाला शब्द जो है वो ज्ञान का प्रतीक है और अंधेरा अज्ञानता का है। इस कहानी में होता ये है कि जैन महात्मा आते हैं एक और राजा को अंधेरे को मिटाकर उजाला करने का आदेश देते हैं कि उसके बाद में ही आपको प्रवचन या उपदेश जो है वो दिए जाएंगे, लेकिन पहले आप अपने राज्य से इस अंधेरे को तो गायब कीजिए किसी तरह से। अंधेरा मिटाने का पहला उपाय, फिर राजा जो है वो अपनी प्रजा को या मुसाहिबों को जो है वो ये आदेश देता है कि उपाय किसी तरह करके इस अंधेरे को मिटाया जाए। तो उसके लिए अनेक उपाय किए जाते हैं, लगभग 6 उपाय जो है वो इस कहानी के अंदर जो है वो क्रमबद्ध तरीके से किए जाते हैं। तो पहले जो उपाय है वो राजा बताता है, अंधेरे को मिटाने का पहला उपाय। तो प्रश्न ये है कि पहला उपाय क्या बताता है राजा। तो राजा ने कहा कि अंधेरे की अमावस्या की रात में, यानी अंधेरे को अमावस्या की रात में पानी की तरह बाल्टियों से उलेचने या फेंकने का किया जाए। यानी उसने पहला उपाय ये बताया कि अंधेरा जो है उसको पानी की तरह बाहर निकालो, उसको उलेचो किसी तरह करके। इस कहानी इस दौरान जो है एक महत्वपूर्ण कथन भी आता है कहानी में कि गुमशुदा गाय भी एक बार तो पुराने खुट्टे पर लौट आती है। यह कथन राजा ने मंत्रियों से कहा था, यह ध्यान में रखने का कथन है। दूसरा उपाय भी राजा ही बताता है। दूसरा उपाय ये बताता है कि राजा ने बताया कि रसोई के धुएं की तरह अंधेरे को सफ़ेदी पोतने का कार्य किया जाए, यानी अंधेरे को सफ़ेदी करके जो है वो मिटाया जाए। और ये कार्य किया गया कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को, ये ध्यान में रखना है। पहला जो उपाय था वो अमावस्या की रात को किया गया था, पानी की तरह उलेचने का कार्य बाल्टियों से अंधेरे को। दूसरा है सफ़ेदी पोतने का कार्य किया जाए ताकि उजाला हो, और ये कार्य कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को किया गया। इसमें राजा का एक महत्वपूर्ण कथन आता है कि अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है, अंधेरा तो फकत सूरज की लपटों का धुआं है, ये ध्यान में रखने का कथन है। तीसरा उपाय है राजा ने ही बताया है, उसने राजा ने दिए की लो को देखकर मशाल जलाकर अंधेरा भगाने को कहा। ये तीसरा जो उपाय है वो राजा के मन में कैसे आया ये ध्यान में रखने का है। दिए की लो को वो देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि मशाल को जलाकर अंधेरे को भगाया जा सकता है, तो तीसरा उपाय ये किया जाता है। और ये कब किया जाता है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात को, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी की रात को। दूसरा उपाय किया जाता है कृष्ण पक्ष की पंचमी की रात को, और पहला किया जाता है अमावस्या की रात को। अब देखिए चौथा उपाय जो है वो भी राजा ही बताता है। चौथा उपाय राजा ने हाथी को बांधने के विचार से सूरज की किरणों को बांधने का उपाय बताया, यानी सूरज की किरणों को बांधने का उपाय बताया। ये उपाय कैसे दिमाग में आया, हाथी को बांधने के विचार से उसके दिमाग में आया। पांचवा उपाय जो है वो पंडितों ने बताया, ध्यान रहे पांचवा उपाय पंडितों ने बताया कि भगवान शंकर के नंदी जितना शुद्ध सोने का सांड दान करना, वो भी पंडितों को, और गरीबों को गणेश भगवान का चूहा सोने का बनवाकर दान करना, और 7 दिन का अखंड मौन व्रत रखना, ये पांचवा उपाय पंडितों ने बताया है। और बताया ये है कि भाई नंदी जितना सांड जो है वो शुद्ध सोने का पंडितों को दान में करें, और गणेश जी के चूहे जितना सोने का बनाकर चूहे को वो गरीबों में दान करें, और 7 दिन का अखंड मौन व्रत जो है वो रखा जाए। अंतिम उपाय,
अंतिम उपाय जो है वो ज्योतिषाचार्यों ने दिया है, जो कि छठा उपाय हो जाएगा। अंतिम उपाय ज्योतिषाचार्यों ने दिया है और इन्होंने बताया कि नगर के भीम तालाब में, नगर के भीम तालाब में सतह से सवा हाथ नीचे 7 घोंसले खुदवाकर उसमें शगुन चिड़िया रखी जाए और वो शगुन चिड़िया वहाँ पर अलग अलग अंडे देगी, तब निश्चित रूप से ही अंधेरा जो है वो समाप्त हो जाएगा, सफलता जो है इसमें मिल जाएगी। इस कहानी में जो दरबार के अंदर नवरत्न रहते हैं उनको 9 सूरज बताया गया है, 9 रत्नों को 9 सूरज बताया गया है। इस कहानी के अंदर जो है वो राजनीतिक और सामाजिक व्यंग किया गया है। इस कहानी के अंदर शासक की अज्ञानता और चाटुकारिता की प्रवृत्ति का भी चित्रण किया गया है, ये हमें ध्यान में रखना है। शासक की अज्ञानता और चाटुकारिता की प्रवृत्ति का भी वर्णन किया गया है। सामाजिक और राजनीतिक व्यंग इस कहानी के अंदर जो है वो किया गया है। तो ये हमारी कहानी थी उजाले के।